यहाँ पे एक्सीडेंट हो चुका है। अरे यार फाका रास्ते में ये लोग एक्सीडेंट कर दे रहा, आप कहाँ बताए भैया? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? एकदम रात के 10:30 बज रहा है, इस पूरा रोड एकदम फाका है, अभी एक्सीडेंट कर दे रहा, तो ये लोग मतलब जाम रोड में कैसे चलाता होगा? तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त राहुल। और सुबह से इतना बारिश हुआ कि मतलब दिमाग ख़राब हो गया घर में बैठ बैठ के। तो थोड़ा देर पहले बारिश रुका तो मैं निकला जस्ट, क्योंकि कल मैं गया था एक दोस्त का घर, तो आते टाइम क्या हुआ कि पानी भरा हुआ था गड्ढा में, तो झट से गिरा गाड़ी का हैंडल पानी में, मतलब गड्ढा में गिरने से मेरा कुछ हैंडल में कुछ इशू हो चुका है। तो मैं अभी सोचा कि शोरूम पे जाके करवा लूँ काम, लेकिन अभी टाइम हो रहा 5:30, तो शोरूम थोड़ा देर बाद बंद होने वाला है, तो अभी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे जो सब डीलर है वहाँ पे हम लोग का एक जान पहचान का अंकल काम करता है, राजेश दा। तो राजेश दा इतना अच्छा मतलब मैकेनिक है कि मतलब मेरा गाड़ी, जब मैं लॉन्ग राइड पे जाता हूँ तो राजेश दा एक बार पकड़ लेता है गाड़ी, तो बस गाड़ी मतलब जेट प्लेन बना देता है। समझ रहे हो आप? अच्छा, बुझते पे। तो राजेश दास से गाड़ी मैंने ठीक करवा लिया, अब जा रहे हैं घाघरबुड़ी थोड़ा चाय पीने के लिए, फिर अगर वहाँ से प्लान बनता है तो कहीं और चलेंगे। अरे तो संजीव दा लग रहा, अरे संजीव दा कहाँ जा रहे हैं? हाँ मैं जा रहा हूँ घाघरबुड़ी चाय पीने, आप कहाँ जा रहे हैं? अच्छा पेट्रोल भरवाने जुबली। अच्छा, जुबली के बाद कहाँ जाइएगा पेट्रोल भर के? तो चलिए घाघरबुड़ी में चाय पी के आते हैं, चलिए फिर, ठीक है। फाइनली चाय पी के हम लोग आ चुके हैं। अभी जान थोड़ा देर पहले अभी मुझे पता चला कि यहाँ पे कोई सर्कस चालू हो रहा है, डायमंड सर्कस या कुछ ऐसा कुछ नाम का कोई सर्कस चालू होने वाला है। तो संजीव भाई से बोले कि चलो यार थोड़ा देख के आते हैं कहाँ पे सर्कस चालू हो रहा है, और सर्कस चालू होगा कल से। कहाँ हो रहा है वो जो सर्कस? 10 नंबर गेट। मेरे को एक दोस्त बोला कि भारती भवन। हाँ मेरे को, हाँ अभी हम लोग थोड़ा प्लान हुआ कि गैलेक्सी मॉल में जाएंगे, और संजीव भाई का रिलायंस ट्रेंड में कुछ लेना है, तो चलते हैं गैलेक्सी मॉल। संजीव भाई का 7,000 का बिल नहीं हो रहा, 4 रुपया कम हो रहा, और यहाँ पे अभी जो डिस्काउंट वाला चीज़ है कि 7,000 का बिल होने पर आपको 3500 पे करना पड़ेगा। What? What the fuck? और जो कि आज ही लास्ट है, तो संजीव भाई 4 रुपया के लिए अभी मतलब एक से बढ़कर एक चेक करते जा रहा। 4 रुपया कैसे पूरा किया जाए? हाँ तो संजीव भाई आज कंप्लीट होगा ना?
अगर 12 क्रॉस कर गया ना तो फिर पूरा लग जाएगा 7,000। अबे साले, तो आपका 4 रुपया वाला प्रॉब्लम सॉल्व हुआ? 4 वाला हो गया। कितना? 1900 का लेना, 2000। 4 रुपया के चक्कर में 2000 का सेट लेना। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। और जो चीज शेयर करना था कि कल से स्टार्ट होने जा रहा हम लोग का आसनसोल में डायमंड सर्कस, तो आप लोग जरूर विजिट कीजिएगा। और कल का जो प्रोग्राम है तो मैं जाने वाला हूँ 7:00 PM। शाम का जो शो है उसमें एक चीज़ अच्छा रहेगा कि लाइटिंग भी अच्छा लगेगा, लेकिन अगर 3 बजे का और 5 बजे का शो में जाएंगे तो लाइटिंग का उतना ज़्यादा कुछ नहीं देखने को मिलेगा। जो शो है वो 2 घंटे का है, 7 से 9 बजे तक जो शो है उसमें मैं जाने वाला हूँ। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सबको पता चले कि आसनसोल में जो डायमंड सर्कस आया है वो कब चालू होने वाला है और कब से कब शो है। तो वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं अगले कोई व्लॉग पे। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय। यहाँ पे एक्सीडेंट हो चुका है। अरे यार, আমি কোথায় চিল্লাচ্ছি।